बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फूड सिटी में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक दफ़ा फिर से हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे साथ मौजूद होंगे कलनरी एक्सपर्ट हमज़ा शेख। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अम्मी ने मेरा शो देखा और मुझे कहा कि बिस्मिल्लाह से शो शुरू किया करो। तो मैं तुम सीधा सीधा सलाम करके बातें शुरू कर देते हो। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड वेलकम टू आवर शो। और आज हम बहुत मज़े की दो रेसिपीज बना रहे हैं। बहुत मतलब इतनी फरमाइश, मतलब क्रेजी फरमाइश दोनों चीज़ों की, तंदूरी चिकन विंग्स एंड चिकन जेल फ्रेजी। अरे चिकन और जेल फ्रेजी, मुझे याद है हमारी कॉलर्स भी बहुत कहते हैं कि आप ये हमें बनाकर दिखाएं। चिकन जेल फ्रेजी की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज है कि ये बड़ी साउथ एशियन क्लासिक बड़ी ज़बरदस्त डिश है। तो इसी के साथ हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। पहले क्या? पहले हम तंदूरी चिकन विंग्स करेंगे। ये हमारे पास 1 किलो चिकन विंग्स हैं जो स्किन ऑन है। 250 ग्राम दही लेंगे हम, चिली पाउडर, बेसन, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून जाएगा रेडीमेड जो मिलता है। उसके अंदर थोड़ा सा एक सर्टन खुशबू होती है, अगर आप डालना चाहें, अगर अवेलेबल है, ऑन हैंड है, ठीक है, अगर नहीं है तो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। ओके। पिसी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्चें और टर्मरिक और लेमन जूस, हाँ लेमन जूस जाएगा। सबसे पहले हम अपने चिकन विंग्स को सॉल्ट करेंगे और साथ इसको लेमन जूस लगाएंगे। ये हमारी होगी फर्स्ट मैरिनेशन, ठीक है जी। आप बाहर तो बहुत अच्छे लेमन्स मिलते हैं हमारे पास, क्योंकि लेमन्स थोड़े से साइज के भी और क्योंकि गर्मी बहुत है तो लेमन भी थोड़ा डिहाइड्रेट हुआ होता है हमारा। तो ये देखें, हम इसमें अपने 4 से 6 लेमन का जूस ऐड करेंगे विंग्स में और इनको हम सॉल्ट करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है जी। सॉल्ट इसमें हम कितना यूज करें? हस्बे जरूरत, जितना आपको पसंद है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते और कुछ लोग शौक से खाते हैं मेरी तरह। ये आपने जिक्र कर दिया तो इसी के साथ में आज का टॉपिक भी अनाउंस कर दूं। और आज का टॉपिक हमारा है फेवरेट इंग्रेडिएंट खाने में, सालन में, रोटी में, चावल में, किसी भी चीज में आपका सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट क्या है, ये आपने मुझे बताना है। इंग्रेडिएंट अच्छा, सॉल्ट हो गया, हल्दी हो गई, लाल मिर्च, हरी मिर्च, कोई सॉस हो गई, कोई स्पाइस हो गया, कोई भी एनीथिंग जो आपको बहुत पसंद हो। सो हमजा, अगर मैं आपसे पूछूं, जी स्टार्ट में आपसे करूं, नाज़रीन से तो मैं पूछ चुकी हूं कि आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट। अच्छा, मुझे अच्छी क्वालिटी की लाल मिर्च हो सालन में कम और वो अच्छी तरह पकी हुई हो प्रॉपरली, उसकी जो खुशबू अरोमा है, आई रियली लाइक दैट। मुझे लाल मिर्च में बना हुआ खाना इज खाने में पसंद है या बनाना पसंद है, आपके लिए तो दो सवाल। मुझे अच्छा बनाना भी और खाना भी, क्योंकि वो अच्छी मिर्चें हों, ब्यूटीफुल कलर आता है, सही तरह से कुक हुई हो एंड द टेस्ट गुड एज वेल। आपने कम क्वांटिटी में यूज़ करनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ ये चूल्हा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ जी, तो ये हमें देखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं अगर अपनी बात करूँ जी, तो मुझे जो फेवरेट इन्ग्रीडियंट पसंद है वो बड़ा लोगों को बड़ा अजीब लगता है वैसे, लेकिन मुझे नमक मुझे बहुत मज़े का लगता है। मतलब मुझे लगता है कि नमक के बगैर जो है वो मेरा गुजारा नहीं है। और अगर नमक थोड़ा ज्यादा भी है सालन में तो आई लाइक, यू लाइक सॉल्टी वो जबरदस्त। नॉर्मली कहते हैं कि ये उन लोगों को मसला होता है, नमक की क्रेविंग होती है जिनका बीपी लो रहता है, और true. मेरा एक्चुअली लो रहता है। सो ये इट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ऑफ, जैसे नॉर्मल जैसे नमक मिर्चें वगैरह तो होती है, बट कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। अच्छा देखिए, उनमें आपका स्पेशल क्या है? ज़ाफ़रान आपको पसंद है? ओह आई लव इट। और मुझे याद है आपने खीर बनाई थी, शाही खीर, बिल्कुल, उसमें ज़ाफ़रान यूज़। अच्छा जी, ये देखें, इसमें हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें हम 3 टेबलस्पून बेसन लेंगे और यही ऑयल हमारे विंग्स के अंदर टोटल ऑयल यही जाएगा। अच्छा, हाँ जी। और इनको हम बेक करेंगे तो इसी यही फैट की क्वान्टिटी है जिसमें उसका कलर आएगा। बिल्कुल सही। और इसमें हम बेसन को, हाँ जी। अच्छा, बेसन क्यों डाल रहे हैं हम टिक्का मसाले में? मुझे एक तो नटी खुशबू देगा इसको और साथ मसाले को स्टिक करने के ऊपर हेल्प करेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कम नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज इनफ, यस दिस इज फॉर 1 kg। बस इतना सा ही यूज करना है। अरे नाइस। और इसको अच्छे से भून के फिर बाकी मसाले भी इसके अंदर ही ऐड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम उनको अलग से कच्चा डालेंगे और वो बेक होके पकेंगे हमारे वायर रैक के ऊपर। हम इनको बेक करेंगे और उसके ऊपर, बिल्कुल सही। और जब तक इसकी नटी सी खुशबू होती है
तब तक हम अपना जो योगर्ट का मिक्स है उसको हम रेडी कर लेते हैं, जिसमें हमें तकरीबन 200 ग्राम जो है 200 टू 250 ग्राम हमें योगर्ट चाहिए। सीमल पे आपकी हेल्प चाहिए होगी थोड़ी सी। इसको मैं लो फ्लेम पे कर दूं, तकरीबन डेढ़ से दो टेबल स्पून या हसबे जरूरत। हाँ जी ठीक है, ये हो गया बस, थैंक यू। हाँ जी, दो टेबल स्पून हमारा तकरीबन टिक्का मसाला जाएगा, ठीक है जी। गरम मसाला पाउडर एक टीस्पून, ठीक है। सूखा धनिया दो टेबलस्पून। इसकी एक्चुअली नटी स्मेल आ रही है, अरोमा आ रहा है। जीरा पिसा हुआ, भून के पिसा हुआ दो टीस्पून, और सॉल्ट हमने उसमें भी डाला है, और हम मैरिनेशन में भी थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्किन है, सॉल्ट से मॉइस्चर ड्रेन होएगा और वो बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। टर्मरिक हमारा क्वार्टर टी स्पून जाएगा, ठीक है जी। और अब हम अपना ये इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो हमारी तकरीबन तीन, जी मैंने सोचा कि मैं साथ साथ थोड़ा सा क्लियर अप भी कर दें, क्लियर भी कर दूं, बिकॉज जरूरी है वो भी। हाँ जी, ये देखें जी। अच्छा, ये पूरा मसाला वो तैयार हो गया। अरे इतनी मजे की खुशबू आ रही है इसकी, है ना, बेसन की। थोड़ा सा आगे हो रही हूँ तो वो खुशबू अच्छा सीधा डायरेक्ट जो है वो। हमारी लाल मिर्चें अच्छी थी, हम फूड कलर ऐड नहीं कर रहे। अगर आप बहुत माइल्ड चिली पेपर यूज कर रहे हैं तो आप बेशक थोड़ा फूड कलर ऐड करें, रेसिपी कार्ड में मेंशनड है। मेरा था कि मैं देखूंगा अगर कलर माइल्ड आया है तो हम इसको ये देखें। अच्छा, अगर आप ये बारबेक्यू में घर पे अगर आप कर रहे हैं, दावत है तो ये आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं इस मैरिनेट के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जरूरी है कि इसको बेक ही करें हम इसको, और आप क्या इसको क्या कर सकते? आप हल्की आग पे रख के आप नॉन स्टिक में भी कुक कर सकते हैं, आप ग्रिल पे भी कर सकते हैं, आप स्क्यूअर भी कर सकते हैं, सीखों पे चारकोल के ऊपर। हाँ। जो आउटडोर ग्रिल्स होती हैं बारबेक्यू, उसमें हाँ। बन जाएगा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेहतरीन बनेगा, जबरदस्त होंगे। और इसकी मैरिनेशन को कितने टाइम के लिए विंग्स को इसके अंदर जो है वो डिप करके रखें? अच्छा, आइडियली आप आधा घंटा इसको दें, क्योंकि हम लाइव हैं और हमारा आपके सामने करके हमने प्रेप करना होता है, तो हमें जो है जल्दी जल्दी से इसको खत्म करना है, ठीक है। लेकिन आधा घंटा एटलीस्ट आप इसको दें ताकि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और हमजा गए हैं जरा ओवन चेक करने, और साथ ही साथ ये मैं दिखा दूँ कि शक्ल है उस मैरिनेटेड चिकन की जो यहाँ पर मौजूद है। विंग्स के अंदर अच्छे से मसाला घुल जाए, मिक्स हो जाए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके साथ, चूँकि मैंने आपको आज का टॉपिक भी बताया कि आप हमें अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट बताइए कि खाने में, पकाने में या खाने में कौन सा एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके बगैर आपको लगता है खाना अधूरा है। ऑब्वियसली बेसिक इंग्रेडिएंट्स की मैं बात नहीं करी, मैंने तो अपना फेवरेट बेसिक इंग्रेडिएंट बताया, लेकिन कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट जो आपको खाने में बहुत पसंद हो, जैसे मुझे चिकन फ्लेवर या चिकन क्यूब्स बहुत पसंद है, कि अगर कोई भी सालन हो जिसमें चिकन यूज़ ना हो रहा हो लेकिन अगर आप उस पर चिकन फ्लेवर या चिकन क्यूब डाल दें तो वो मुझे बहुत पसंद है। और ये आप ग्रिल जो है वो ओवन से ले आया हूँ। अच्छा जी, अब हम अपने विंग्स को, अब मैं अपने हाथों के यूज़ पे आ जाऊँगा, जो मेरा फेवरेट काम है कुक करते हुए हाथ इस्तेमाल करना। हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए। आप प्रेजेंटेशन साइड अप रख के आप इनको बेक करेंगे। ये स्किन ऑन है, आप चाहें तो आप इनको स्किन के बगैर भी ले सकते हैं, आपकी आपके टेस्ट के ऊपर। अच्छा, वैसे मुझे स्किन ऑन नहीं पसंद। अच्छा, क्या आपको? ऑलवेज लाइक ऑफ स्क्रीन। अच्छा, वो स्किन थोड़ा सा च्यूई लगती है। हाँ। स्किन अच्छे तरीके से पकी हो तो इट टेस्ट्स वेरी गुड, जिस तरह आपको आज अच्छी लगेगी। अच्छा, हाँ, मेरे तो पूरे हाउस होल्ड के फेवरेट कट है। जबरदस्ती खिलाने वाले हैं। बिल्कुल जी, आपको जबरदस्ती टेस्ट कराएंगे, आपको पसंद आएगा फिर आप खाएंगी। चले ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर अगर आप वो लगा दें तो उसका अच्छा क्रस्ट जो है वो बन जाएगा। सीख गई हूँ मैं आपसे। यस मैम, क्या याद करेंगे, आपकी स्टूडेंट हूँ मैं कि सीख गई हूँ मैं। बिल्कुल ओके जी। और इसमें बेकिंग का एक फायदा ये भी होता है कि सारे एक साथ हो जाते हैं।
बार-बार आपको कुछ नहीं करना पड़ता। हेल्दियर एज वेल ना, हमें देखें हम डाइट कॉन्शियस लोगों, हम अगर आजकल देखें हम अपने ऑडियंस को मॉडिफाई करके चीजें नहीं सिखाएंगे तो फिर हमारे शोज करने का क्या फायदा? बिल्कुल सही, वो तो फिर घर में तो सब खाना सब बनाते ही हैं। हाँ जी, जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी खाना ज्यादा मजे का, ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। ऑब्वियसली इतनी इनोवेशन होती है हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, वैसे ही इनोवेशन कल्नरी और इस तमाम चीज में भी होती है, तो मेरे ख्याल से वो सीखते रहना चाहिए। सीमल, अभी ब्रेक में कितना टाइम है? हम ले लेते हैं ब्रेक अगर आप बिल्कुल आप ब्रेक लें, मैं इसको ओवन में रखता हूँ और हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। चिकन विंग्स हमारे जा चुके हैं ओवन में ग्रिल होने के लिए और चिकन जेल फ्रेजी की तैयारी आपके सामने है। हाँ, मैंने एक चीज गलत बोली, आपने मुझे करेक्ट नहीं किया। क्या बताएं? आई सेड ग्रिल होने के लिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जब ब्रॉयलर ऑन करते हैं तो वो बेक, हाँ, आप ग्रिलिंग भी कर सकते हैं ओवन में। ओके, डन, सही बोला मैंने जी, मैं सीख रही हूं, आई एम अ गुड स्टूडेंट। आगे जी, जे चिकन जेल फ्रेजी, सबसे पहले हम चिकन जेल फ्रेजी के लिए अपनी हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे जिसको हमने बाद में ब्लेंड करना है। ठीक है जी, उसमें हम सबसे पहले अपने शामिल करेंगे अनियंस जिनको हम पहले स्वेट करेंगे और फिर हम ऑयल शामिल करेंगे ताकि वो जल्दी गोल्डन हो जाएं। और ये अनोखी और नई टेक्निक है जो हमजा ने इंट्रोड्यूस कराई है। बिल्कुल नहीं, आई एम श्योर लोगों को पहले भी पता होगा इसका, पर हाँ, पर मैंने खुद करके देखा था और वो भी एक्सीडेंटली। मैं आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मेरी फ्रेंड्स इतना अच्छा खाना बनाते हैं, बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी डज दैट। कम लोगों को पता होगा, नाउ पीपल नो दिस। यस, नाउ हमने ये अपना एक वो बता दिया हुआ है सबको। हम इसको अच्छे से स्वेट होने देंगे और वो आवाज भी आती है उसमें से, जब वो शुगर्स और पानी थोड़ा रिलीज हो रहा होता है उस सब्जी में से। ये देखें जी, बिल्कुल ठीक। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, लाइव कॉल कीजिए और हमारे आज के टॉपिक के बारे में हमें बताइए कि आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट कौन सा क्या है और पकाने में या खाने में दो, जैसे आपको इलायची की खुशबू पसंद है या आपको थोड़ा सावर और क्या पसंद नहीं है, ये भी बताएं। मुझे गरम मसाला साबुत अगर मेरे मुंह में आ जाए तो आई डोंट लाइक, या नोबडी लाइक्स इट, वो खुशबू के लिए पसंद भी है। हाँ, माय हस्बैंड लव्स इट, अच्छा, कि वो लॉन्ग आ जाए या काली मिर्च साबुत आ जाए, सो ही लाइक्स इट। और मैं अक्सर अपनी प्लेट में जब साइड पे कर रही होती हूँ तो वो कहते हैं मुझे मेरी प्लेट में शिफ्ट कर दिया जाए। सही हो गया। अच्छा जी, और इसी ये एक तरफ हमारी ग्रेवी बनती रहेगी और दूसरी तरफ हम अपना चिकन रख देंगे फ्राई होने के लिए। मेरे ख्याल से वो भी हमें साथ ही रख देना चाहिए। बिल्कुल। उसमें हम पहले थोड़ा सा गार्लिक को स्वेट करेंगे और फिर हम इनमें ऑयल शामिल करेंगे। ये देखें, सॉफ्ट होना शुरू हो गया ना और वो एक कैरमलाइज सी खुशबू आना शुरू हो गई। और इसमें अब जो है वो ऑयल हम शामिल कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा और। और अब जो है इसमें हम ऑयल शामिल कर लेंगे। अच्छा, घर में जब आप बनाएं तो आप ऑयल की क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं। हमें शो के लिए इसको विजुअली अपीलिंग बनाना होता है। बिल्कुल सही, घर पे आप ऑब्वियसली हद से जरूरत तेल जो है वो आप शामिल करें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, जारा है मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम जारा। अस्सलाम वालेकुम सिमल, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल चाल? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपको ये बताना था कि आज आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आज के एपिसोड के बारे में क्या कहेंगे? हम चिकन स्पेशल कर रहे हैं, चिकन जल फ्रेजी बना रहे हैं और चिकन विंग्स हैं हमारे। चिकन जल फ्रेजी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बल्कि मैंने इनको स्पेशल मैसेज किया था आप लोगों के इस पे सोशल मीडिया। अच्छा अच्छा, फिर तो बड़ी मुझे ट्राई करें प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, जबरदस्त। चलें, आप नोट डाउन कर लें ये सारी रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगी? आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट खाना बनाने के वक्त और खाने के वक्त, पहले तो ये बताते हैं खाना बनाती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल बनाती हूँ मैं खाना। मैं क्या बनाती हैं? अच्छा, बहुत शौक से बनाती हूँ मैं। पाकिस्तानी डिशेज ज्यादा ट्राई करती हूँ। अच्छा, जबरदस्त।
और वैसे वहाँ पे रहने की वजह से आपको डिफरेंट फूड ट्राई करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगी आप? मुझे वैसे ब्लैक पेपर बहुत पसंद है, क्योंकि वो हर चीज़ में ज़रा अच्छी सी लुक भी दे देता है और बहुत अच्छा टेस्ट में भी बड़ा अच्छा। बिल्कुल ब्लैक पेपर, लेकिन बहुत सी डिशेज ऐसी हैं जिसमें हम वो यूज़ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन जिनमें होता है उनमें मुझे बहुत पसंद है वो। एक अच्छा अभी ऐसे हुए कि ज़बरदस्ती आपने डाल दिया हो? बहुत बार ऐसे हुए, होता है कि खाने की शक्ल डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा डार्क हो जाता है पर टेस्ट अच्छा करता है। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर कॉलिंग, आपने हमें कॉल की और प्रोग्राम का आप हिस्सा बनी, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। हमजा फटाफट से बताएं, इस कॉल के दौरान आपने क्या क्या किया? मैंने चिकन को कुक करने के लिए रख दिया और उसमें मैंने टोमेटोज जो है तकरीबन 400 ग्राम वो मैंने मसाले में डाल दिए हैं। बिल्कुल सही। और अब हम इसे विल्ट होने देंगे, पका लेंगे। और इसको अगर आप चाह रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा हिला, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जरूर, मेरी इजाजत, आपका किचन है, आप देखिए आपकी। अभी हम इसको लिड लगाएंगे सिखाते हैं और हम चिकन को दिखाएं। वो देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, हाई फ्लेम पे इसको हम कुक कर लेंगे, फिर ये बाकी सॉस में कुक होएगा। अच्छा हाँ, जो हम उसकी सॉस अलग से बिल्कुल बनाएंगे, तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अदरक आपने डाला है? जिंजर, गार्लिक, गार्लिक सॉरी, आज हमने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। लहसुन, हाँ, गार्लिक और चॉप करके डाले। आई ऑलवेज मिक्स दीज अप, मतलब मुझे बचपन से ही पता नहीं क्यों मैं जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन, क्योंकि वो हमेशा उर्दू में हो इंग्लिश में हो, मैं हमेशा हमारे यहाँ लहसुन और अदरक को हमेशा जिंजर और गार्लिक को एक पेस्ट की फॉर्म में इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नए कुक्स होते हैं आपकी तरह वो मिक्स करते रहते हैं। नलायक कुक्स बोला? नहीं, नए कुक्स, मतलब हमजा हाँ। आप मुझे नलायक बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपको नलायक बोल सकता हूँ। किसी दिन मैं आपको सीमल स्पेशल करके दिखाऊंगी, तभी तो वो वक्त आएगा जब मैं इंशाल्लाह सून। एनीवेज जी, हाँ, चिकन हमारा कुक होना शुरू हो गया है और उसका वो थोड़ा थोड़ा पानी जो निकलता है, हाँ, जो मिर्च का अपना पानी होता है वो भी आपने हाई फ्लेम पे पहले इसको सियर करना है ताकि इसके सारे जूसेस निकल के ये ड्राई ना हो जाए, रबरी ना हो जाए। जो वाइट मीट होता है, जो सीने का मीट होता है मुर्गी के, वो जल्दी ओवर कुक हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ज़रूरी है इसमें हम बोनलेस में यही शेप लें, हमको शेप भी बना। हाँ हाँ, आप जूलियंस करवा लें, इट्स एंटायरली अप टू यू। बिल्कुल सही, आप हमें लाइव कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और आज के टॉपिक के बारे में हमसे बात कीजिए। दूसरी तरफ प्याज और टमाटर घी के साथ पकने के लिए हमने रखे हैं, ज़रा उनका भी नज़ारा कर लें अगर आप, तो हमें पता लगे। ये हम इस पर रख देते हैं ताकि ये स्टीम होता रहे। अच्छा, ये हम ग्रेवी जब अच्छे से विल्ट कर जाएगी जी, तो जी। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा। एक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। अच्छा, अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये बड़े लोग अक्सर ये समझते हैं कि अगर हम पहले से ब्लेंड करके इंग्रेडिएंट्स टोमेटो पहले से बॉइल करके, इस तरह ना बड़ा अच्छा रोस्टेड जायका आएगा। उस तरह भी आप हांडी जो बनाते हैं उसमें आप वैसे कर सकते हैं, पर इस तरह जरा टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, जुहेब है लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सीमल आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहेंगे आज के एपिसोड के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा शो आप लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। आज जो है ना, आज का टॉपिक भी मुझे बहुत पसंद आया। मैं लोगों को बहुत बताना चाहता हूँ कि अनों के साथ ना मेरा जो फेवरेट इंग्रेडिएंट है वो है अचार यूज करना। वो क्या है? अचार। अचार यूज करना, वाह भाई वाह, इंटरेस्टिंग। दाल चावल के साथ? अच्छा, इसी के साथ मैं एक सेकंड लूंगा। इसके अंदर हम वर्सेस्टरशायर सॉस 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हॉट सॉस अपने हम चिकन में शामिल कर देंगे। हमारी रेसिपी रुक नहीं सकती ना जोहेब, तो बीच में आपको थोड़ा इंटरप्ट करना पड़ा। अच्छा, वाई अचार? लड़कों को तो मैंने सुना है अचार इतना कोई पसंद नहीं होता। आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो है ना बहुत शौक है खट्टी चीजों को जो है ना खाने का। वाह क्या तो बात है, अचार एक अच्छा फ्लेवर डाल देता है जो है ना कुछ खानों के साथ, बहुत मैच कर जाता है। अचार में भी बड़ी किस्में होती हैं, तो आप कौन सा अचार खाते हैं? मैं तो हैरान हूँ, लहसुन का अचार भी होता है, आपको लीमू का अचार भी होता है, गाजर का अचार, सिर्फ गाजर का अचार, मिर्चों का अचार, आम, आपको गाजर का पसंद है ना जोहेब, आपको कौन सा अचार पसंद है? मुझे यूजली गाजर का अचार और साथ जो है ना अगर उसके साथ थोड़ा सा आम वाला मिल जाए। अच्छा, मिल जाए, बस मिल जाए अचार, कुछ खट्टा मिल जाए। तो क्या आप हर सालन के साथ वैसे अचार खा लेते हैं? ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया आपने? अभी तक तो मैंने ज्यादातर के साथ ट्राई किया। आप तो हर चीज के साथ अचार खाएं, आपने पालक के साथ अचार कभी नहीं खाना? क्यों? देयर इज नो कॉम्बिनेशन।
you never know, people have weird combinations. Weird fetishes. Oh, this is the topic जो हम अगले एपिसोड में. Well, thank you so much Zuhaib for calling और आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया. अच्छा मजे का था. अच्छा पसंद है. अच्छा अब हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे अपनी ग्रेवी में, साथ हमारा थोड़ा सा चिली पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा हमारा क्यूमिन जीरा एक टीस्पून, वो रेसिपी कार्ड में जैसे मेंशन्ड है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ज्यादा नहीं क्योंकि हमने इसको फ्रेश नहीं, हमने इसको फ्रेश एंड रेड रखना है. ठीक हो गया. अच्छा अंदर से होता है लड़कों को अचार पसंद ना हो, मैंने बहुत सुना है, बहुत कम लोग मतलब दाल चावल के साथ. मैंने तो सबको अपने वालिद साहब से लेके भाई सबको अचार खाते हुए देखा है कभी. मेरी फैमिली में भी घर में लोग कम खाते हैं. अच्छा लड़के तो बिल्कुल ही नहीं, तो मुझे लगता है कि शायद फिर कोई भी नहीं खाता, मतलब ये होता है. खैर एनीवेज कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए. आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट क्या है आपकी किसी भी डिश में, ये आपने हमें बताना है. और एक तरफ हम चिकन बना रहे हैं, दूसरी तरफ चिकन मसाला तैयार किया जा रहा है. जो कि अब हम इनको जो हमारी सॉसेज हैं जो इसके अंदर हमने अभी सारी मसाला जार डाले हैं उनको अच्छा सा टोस्टी होने देंगे और फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये विल्ट होए, थोड़ा सा ये और नरम हो जाएगा. उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसके अंदर केचप डालेंगे और अलग से सब्जियां स्टिर फ्राई करके अलग से डालेंगे तेज. अच्छा, आग पे. अच्छा, ताकि वो उसमें आके पानी ना छोड़ दे. अच्छा मुझे ये बताएं अभी टमाटर अभी भी कुछ गोल और अपनी शेप में ही है. ये हम जब पानी डाल के इसको कवर करेंगे सिमर करेंगे बिल्कुल एकदम बैठ जाएंगे. अच्छा हाँ जी. मुझे लगा जेल फ्रेजी एक बड़ी पुरानी सब कॉन्टिनेंट और चाइना का मिक्सचर होके ये डिश बनी है, जिस तरह जब इंडो पाक वॉज टुगेदर तब और चाइनीज जो ट्रेवलर्स आते थे उनको मिला जुला के ये काफ़ी पुरानी डिश चलती आ रही है. बिल्कुल सही, बस नाम चेंज होते चले गए. हाँ जी ऑब्वियसली तब इसको चिकन नहीं, मैं कल इसके बारे में पढ़ रहा था गूगल करके, तो वहाँ पे फिर मैंने आई वेंट थ्रू दिस स्टोरी और मैंने कहा कि मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँगा कि हाउ इट ऑल हैपेंड. आई लाइक दिस वैसे हमजा, दैट यू डू योर होमवर्क. आई डू, आई मेक श्योर दैट व्हाटएवर वी आर शेयरिंग इज ऑलवेज सुपर ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक. बिल्कुल. अब आप देखिए अच्छे से ये ना ब्लेंड भी होना शुरू हो गया. मुझे एक्चुअली वो टोमेटो, अगर हमें थोड़ा पानी मिल जाए तो ये हमारे पास पानी है, ये मैंने रखवाया था, तो ये हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे. ठीक है, जिसे आप कह रही थी ना कि टमाटर और प्याज अभी तक थोड़े से नजर आ रहे हैं, उसे वो बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाएगा. हाँ, उसके अंदर उसको गलने में टाइम नहीं लगेगा. बिल्कुल सही. और जब ये हाफ ग्लास जो है, हाँ हाफ ग्लास की पानी इसमें इस्तेमाल हुआ. और ये भी इसको भी जरा चेक कर चिकन. हाँ जी, चिकन इज आल्सो डन हमारा, शुरू हो गया. हाँ जी बिल्कुल सही. तो हम ब्रेक की तरफ चले फिर. बिल्कुल जी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा. जी वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे. और हमने चिकन जो है वो सॉस, बिल्कुल चिकन हमने अपनी सॉस को ब्लेंड करके ब्रेक में, क्योंकि वो ऑन एयर आवाज बहुत आती है, तो हमने चिकन को सॉस के अंदर डाल दिया, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडर चला बस, दिया. हाँ, बस जो आपको जहाँ तक दिखाया था, अब उसको हमने चिकन को डाल के उसको सिमर होने के लिए रख दिया. और दूसरी तरफ हम जेल फ्रेजी के अंदर जो हमारी लजीज तरीन सब्जियाँ जो क्रंची होनी चाहिए ग्रेवी में और फिर भी टोस्टी नटी जायका आना चाहिए, उसका तरीका ये कि हम बहुत तेज आग पे उनको पकाएंगे. और हमारे विंग्स भी ऑलमोस्ट तैयार हैं. आपको अदरक तो नहीं चाहिए यहाँ पे? नहीं, अदरक तो वो ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन के लिए हम ऐसी चीजें रखते हैं जी. तो ये देखें जी, इसको हम अच्छा सा स्मोकी होने देंगे. इसमें जो हमारे कुछ गार्लिक के पीसेस थे जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं और वो इसको फ्लेवर करेंगे. बिल्कुल सही. और साथ में बता दी चलूं कि ऑब्वियसली चिकन जल फ्रेजी चावलों के बगैर आप सर्व नहीं कर सकते. हाँ. आपको मज़ा ही नहीं आता. सो अभी एक तरफ तो वो हम उसको सिमर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वेजिटेबल्स को हल्का सा सौते करेंगे और फिर उसके अंदर ऐड करेंगे, विंग्स को डिश आउट करेंगे और आपको एक बेहतरीन डिनर आइडिया या लंच आइडिया आपको दे देंगे. बिल्कुल सही. अब हमने कितना टाइम हो गया हमजा विंग्स को? तकरीबन हमने 20 मिनट्स के बाद जो है वो निकाल दिया है. अच्छा. अब सबसे पहले इसमें जाएंगे अनियंस, ये देखें. अच्छा जेल फ्रेजी में ये कि सब्जियां डल के थोड़ी कटिंग है तो काफ़ी बरकत हो जाती, काफ़ी लोग खा सकते हैं. हाँ तो ये आपने बड़ा वो जिसे कहते हैं ना मज़ेदार सा एक पॉइंट रेस कर दिया है. हाँ कि काफ़ी लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं. हम इसी पॉइंट पे इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे, बीज इनको बंद ही खोले बगैर. ठीक है, ये प्रेजेंटेशन और खुशबू में पॉप अप ना हो जाए ये एकदम. हाँ, याद है एक दफा हुआ था ढाबा कढ़ाई वाले में. हाँ हमजा ब्रॉट
ग्रीन चिलीज जो कि बहुत फ्रीजी कोल्ड थी और इसी तरह से जब घी में डाल दी एंड मैं ऐसे देख रही हूँ और एकदम से वो पॉप अप हुई है ना, गॉट दो तीन पटाखे बचे। हाँ तो ये होता है ना नॉर्मली, नॉर्मली आप कहीं भी आप सेवन स्टार होटल्स के किचन में भी काम कर रहे हो तो ये चीजें साथ साथ नॉर्मल दे आर पार्ट ऑफ द लाइफ चल रही होती है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बड़ी गलतियां चल रही होती हैं। अच्छा जी। चलें जी। अच्छा जी, अब एक और इंग्रेडिएंट, हाफ कप हमारी केचप है जो हमारी ग्रेवी में चली जाएगी, ठीक है जी, और वो हमारा जो है इसको जो ये सब कॉन्टिनेंट और चाइनीज फ्यूजन है उसका जो है ये अरे जबरदस्त। अच्छा इधर से भी ना वो आवाज आना शुरू हो गई है जैसे सौते हो रही हैं और वो ऑयल जो है वो पकड़ आएंगे। बिल्कुल, ये देखें खुशबू भी आ रही है। तो राइस आई रियली लाइक दिस, जैसे आप ये रिंग वाले प्याज कट करते हैं ये बड़ा मजे के। अच्छा, और ये आप देखें इनको हम बॉडी में रखेंगे, हमने इनको विल्ट नहीं होने देना, हमने इनको बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना। आम अल्फाज में जैसे कहते हैं ना थोड़ा खड़ा खड़ा रहने देना है उस इंग्रेडिएंट को। शिमला मिर्च वन ऑफ द मोस्ट की इंग्रेडिएंट्स जेल फ्रेजी में। बिल्कुल सही। और अगर जो वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते वो इसको फिर ऐसे ग्रेवी स्वीट एंड स्पाइसी पाक पाक इंडियन ग्रेवी के तौर पे सर्व कर दें, कोई नाम अच्छा सा क्रिएटिव सा सोच लें, क्योंकि हमें तो आपको पता है ना बड़ा शौक है डिफरेंट चीजें करने का कुछ मतलब। ये देखे ना, ये डिफरेंट चीज की है कि मिर्च बाहर आ गई है। पॉप अप नहीं हुई, शुक्र है। नहीं नहीं, वो उस दिन एकदम बहुत हाई टेम्परेचर में हमने ठंडी मिर्चें डाल दी थी तो उसकी वजह से वो सिलसिला जो है ऐसे हो रहा था। अच्छा, ये बबल अप होना शुरू हो गया। देखिए माशाल्लाह, एंड द खुशबू इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, अब इसके अंदर टमाटर हम सबसे एंड में ऐड करेंगे। ये देखें आप, बिल्कुल हाँ बिल्कुल एंड पे के ये हल्के से बस इनको खुशबू आएगी। हाँ। और हमारा ये तैयार है। लंबे लंबे बारीक थोड़े मोटे थोड़े मोटे काट के रखेंगे। हमजा जो ट्रिक लगाते हैं वो हिलाने की, आई कैन नॉट डू दैट, तो मैंने सोचा कि मैं चम्मच से थोड़ा इसको प्लेट करेंगे। मैं जा रही हूँ, अगर ये जब तक पक रहे हैं तो हम विंग्स निकाल लेंगे। बस ये हो गया। हाँ जी, ये देखें इट्स ऑलमोस्ट डन। इसको मैं सिमर पे ले आऊंगा। मजेदार खुशबू आ रही है, ये देखें। आई कैन सी कि आपको वो खुशबू डायरेक्ट पहुंच रही है एंड नाउ आई कैन स्मेल इट टू। ये अच्छा, अरे ये तो बहुत से लोगों के लिए सर्विंग हो जाएगी। ये तो बड़ा मजेदार कलरफुल सा। You have all the goodness of vegetables. अब ये ऊपर वाला पैन अगर साइड पे कर दें तो ये कैमरा में क्लियर नजर आ जाए। इसका टेक्सचर और कलरफुल कितना मजेदार लग रहा है ये। अच्छा, आपने टमाटर प्याज शिमला मिर्च के कलर की वजह से वो इतना रिच इन टेक्सचर लग रहा है। बिल्कुल, ये देखें जी। आपने अब इसकी आग तेज रखनी है, नहीं तो सब्जियां पानी भी छोड़ सकती हैं। जबरदस्त, हमजा छा गए आप, बस इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकती। हम क्योंकि ये कुक्ड हैं, हम इसको बस एक दफा वार्म थ्रू करेंगे, ठीक है, फॉर अ मिनट, और उतनी देर में हम अपने विंग्स को डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल सही। सो विंग्स ले आइए जी, जिनको हमने 20 मिनट्स के बाद अवन में से निकाल लिया था या अवन बंद कर दिया था। अवन बंद कर दिया था एंड दे आर ब्यूटीफुल। और आप इतना मजेदार तरीके से फुल ड्राई होकर जैसे बनने का हक होता है वो एक्चुअली वैसे तंदूरी ही है। अरे जबरदस्त तंदूरी। हाँ, ये तो बहुत मजेदार लग रहे हैं हमजा। ये देखें हम इनको, वेरी नाइस वेरी नाइस। साथ ही अच्छा इसको देख के ना मुझे एक तो ये विंग्स हैं और पता है आपको कि विंग्स थोड़े मिलते जुलते भी हैं, मुझे बटेर याद आ रहा है। हाँ, बटेर उनकी शेप भी थोड़ी अच्छा। बटेर भी बनाएंगे हम। मैंने आग फ्लेम बंद कर दी है जेल फ्रेजी के नीचे। हम बटेर भी अपने ऑडियंस को बनाना सिखाएंगे, है ना, बड़े लोगों को पसंद होते हैं।
और चिड़े और बतीरे ये हमारे गुजरांवाला की सौगात है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है. आई नीड टू गेट टिशू. ठीक है जी. और आप देखें ये वाकई में तंदूरी लुक जो है वो इसकी आ रही है. अच्छा देखिए ना फूड कलर हमने नहीं भी आया. एक बात बताऊँ हमजा के बारे में, जब भी वो कोई डिश बना लेते हैं प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद वो मुझे कहते हैं शुक्र है अल्लाह का सब ठीक हो गया, कुछ खराब नहीं हुआ. उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए. और लाइव प्रोग्राम में इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. घर पे तो होता है ना कि हम कुछ की. कर लेते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं होती. बिल्कुल घर पे तो ये था थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो दूध उबल गया और सारा कुछ खराब हो गया. यहाँ अगर ऐसा हुआ तो आपकी पकड़ हो जाएगी. नॉट दूध, मैंने एज अ मेटाफोर यूज किया. वो ये देखे ना अब ये उतर नहीं रहा गरम है. सीमल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आई विल जस्ट डू इट माय सेल्फ. आप ग्रिल को थोड़ा सा पकड़ लें और वो और लाइव में जब कुछ हो जाता है, उसका मसाला मेरे ख्याल से नीचे गया तो वो नीचे चिपक गया. नहीं लाइव में जब कुछ होता है तो हम उसे कहते हैं लाइव की खूबसूरती है कि हम आपको सब कुछ रियलिटी टीवी मतलब आपको सब कुछ सामने जैसे होता है वैसे करके दिखा रहे हैं. रिकॉर्डिंग में तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ये देखें ये देखें ये गरम है हमजा. It is ये गरम है जी. डिश आउट कर लिया हमने विंग्स को. दूसरी तरफ हमने चावल तैयार किए हुए हैं. चिकन गार्लिक राइस, सॉरी चिकन गार्लिक नहीं, हमारे सिंपल अब वाइट राइस है, उसमें थोड़ा स्प्रिंग अनियन ऐड किया हमने. और अब हमारे वाह जी वाह क्या खुशबू है. आज शेफ खुद भी खुशबूएं ले रहा है. आज शेफ खुद भी खुश हो गए कि मैंने बड़ी जबरदस्त. और आप देखिए मतलब अगर ये कैमरा दिखा सके इस डिश को तो कितने इट हैज अ लॉट ऑफ कलर्स. यस और वो मजेदार सी जो एक लुक है वो नजर आ रही है. और ये बहुत फेवरेट है बच्चों का बड़ों का. ऑब्वियसली एंड वन मोर थिंग, अगर आप चिकन जलफेजी बनाएंगे तो बच्चे जो है वो एक्चुअली इसके साथ वेजिटेबल्स को भी खा लेंगे. बिल्कुल खा लेंगे. जो लोग नई वेजिटेबल्स खाते हैं उनके लिए ये एक ट्रिक डिश हो सकती है. ट्रिकी डिश कि वो वेजिटेबल्स भी खाएं. बिल्कुल सही. माशाल्लाह देखें अगर आपकी नीयत अच्छी हो और आप अच्छा काम करना चाहते हो तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट होता है. बिल्कुल. और अल्लाह इज सो काइंड. थाल जो है वो उठा के इधर ले आऊं. हाँ जी राइस के साथ. चलें हमजा डिश आउट कर रहे हैं. चिकन जलफ्रेजी तैयार है. फाइनल लुक इसकी आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी पर एक नजर डालें. चिकन जलफ्रेजी अज्जा. चिकन 1 किलो बोनलेस ब्रेस्ट, वोस्टर शायर सॉस 2 खाने के चम्मच, हॉट सॉस 2 खाने के चम्मच, टमाटर 650 ग्राम, प्याज 500 ग्राम, अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च 400 ग्राम, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च हसबे जरूरत, कटी हुई लाल मिर्च हसबे जरूरत, सूखी कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, नमक हसबे जायका, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, केचप आधा कप, सब्ज मिर्च 8 से 10 अदर, गोल लाल मिर्च हसबे जरूरत. तरकीब: तेल में लहसुन को हल्का सुनहरा कर लें, फिर प्याज डालें और इसे भी हल्का सुनहरा होने दें, फिर इसमें टमाटर और लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च और कसूरी मेथी डालकर भून लें और तेल ऊपर आने तक भूनें, फिर इस मसाले को ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लें, फिर चिकन को लहसुन के साथ अलग से फ्राई कर लें, चिकन में वूस्टर शायर सॉस और हॉट सॉस डालकर फ्राई करें, जब चिकन का रंग सुनहरा हो जाए तो उसे ग्रेवी में शामिल कर लें, तमाम सब्जियों शिमला मिर्च प्याज और टमाटर को हल्का सा भून कर चिकन ग्रेवी में डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखें और अपनी पसंद के चावलों के साथ पेश करें. तंदूरी चिकन विंग्स अज्जा. चिकन विंग्स 1 किलो, लीमू 3 चम्मच, नमक हसबे जरूरत, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, खाने का लाल रंग हसबे जरूरत, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सूखी कसूरी मेथी 1.5 खाने का चम्मच, बेसन 2 से 3 खाने के चम्मच, दही 250 ग्राम, सब्ज मिर्च 2 चम्मच पिसी हुई, टिक्का मसाला 2 चाय का चम्मच. तरकीब: 1 किलो विंग्स को लीमू और नमक लगाएं, फिर 3 चम्मच भुना हुआ बेसन 1 पाउडर दही में शामिल करें, फिर इसमें जीरा पाउडर, सूखा धनिया, लाल मिर्च, टिक्का मसाला, नमक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लें और चिकन विंग्स पर लगाकर ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें.
रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स पर आपने एक नजर डाली और ये लीजिए हमारी जबरदस्त तैयार है। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑलवेज। अमेजिंग रेसिपी और आई एम मोर देन ऑनर्ड टू वर्क विद यू एंड द टीम, और मुझे बहुत खुशी है और माशाल्लाह और जितनी तारीफ हो रही है आई एम ओवरवेल्म्ड। हमारी आपकी एज अ टीम आपकी थैंक यू स्पीच खत्म हो गई हो जी, तो जी, प्लीज आप क्लोजिंग इजाजत ले लूं जी, जी बहुत शुक्रिया जी आपका भी प्रोग्राम देखने के लिए। इसी के साथ आप तो इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। इतना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।